डिजाइनर माल फूक के बैठ क्या कह रहा हूँ यार अपने सोने बिहार में चल जाए तो इसमें तो पूरे गांव बैठा देंगे कि बच्चों को दे दो स्कूल आना जाना कर लेंगे इससे है ना। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल शर्मा और आज की इस वीडियो में जा रहे हैं ईवी एक्सपो को एक्सप्लोर करने। देखते हैं गाड़ियों का फ्यूचर वहाँ पे है, मतलब सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सारी गाड़ियां वहाँ पे आ रखी हैं, आपको दिखाएंगे इस व्लॉग के अंदर। तो व्लॉग के साथ बने रहे, रस्ते का एंजॉय करें, हम वही जा रहे हैं सीधा। यहाँ पे लेने वाले हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्योंकि आज हम ऑनलाइन करके नहीं आए हैं। तो यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन अपना। अभी हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अंजनेय शर्मा विजिटर, और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है नया फ्यूचर अपनी गाड़ियों का, वो सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में दिखने वाली है। तो व्लॉग को पूरा एंजॉय करना और एंड तक देखना। अंदर आते ही सबसे पहले एंट्री, और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी है क्योंकि आज अपना लास्ट दिन है यहाँ पे। सेल्फी पॉइंट, अच्छा तो भाई ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आप अपनी सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं इजीली। सो ऐसा पूरा सीन है, कुछ ना कुछ हर स्टॉल पे हमें मिलता जा रहा है यहाँ पे, और पूरा अच्छा सा लग रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट, यहाँ पे ही एक्सपो होता है, जो ऑटो एक्सपो होता है वो भी यहीं पे होता है। लगभग गाड़ियों की सारी चीज़ें जो भी होती हैं ईवी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इसी एक्सपो मार्ट के अंदर होती हैं। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक, तो मतलब फ्यूचर तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक का ही है। सारी कंपनी आई हैं, बहुत सारी नई नई ट्यू बैटरियां हैं जो आपकी गाड़ियों में, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटियों में, बाइकों में लगने वाली हैं। ओके, ओह भाई 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 विकास, लोगों कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा, मेन अंदर कॉपी कर रखा है BMW का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ठीक है। सो अब एंट्री हुई है क्या भाई अपनी, स्कैन हियर फॉर फ्री डाउनलोड। तो फाइनली हम आ गए अंदर। झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से कंपनियां आई हैं यहाँ पे, इन्होंने अपना वो लगाया। और हाँ, तो फाइनली जो मेरा ड्रीम था वो आ गया है, जो मेरे पापा मेरे को दिलाएंगे वो ये चीज़ है, ये रही, उन्हें उम्मीद इससे है, वही महिंद्रा। अच्छा, तो ये महिंद्रा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मतलब इस इलेक्ट्रिक ऑटो है कुछ ऐसा इस टाइप का, देख सकते हैं बैठ के। ओके नाइस, और काफ़ी खुला खुला यार, ओपन है एकदम मस्त चिल मोड। एक बार इसका वेट पता कर लेते अच्छा रहता। और ये अपनी गुड्स वगैरह कैरियर को अपनी मतलब इधर उधर करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत लिमिटेड चीज़ें अगर करनी हो तो उसके लिए ये गाड़ी ठीक है। एक वो पीछे वाली, तो ये सारी की सारी प्रॉपर भाई प्रॉपर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाले हैं अपने सारे। और अभी धीरे धीरे देखते हैं, जो भी चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी हम वो ज़रूर देखेंगे अच्छे से। और ये वो बैटरियाँ हैं कुछ कंपनियों की, अब तो बहुत सारी कंपनी आ गई हैं बैटरियों की, देख सकते हैं। अब फोटो करवा रहे हो, कराओ। तो यहाँ पे हर अगला बंदा अपनी अपनी गाड़ियों को देख रहा है, मतलब सब लोग अपनी गाड़ियाँ देख रहे हैं, जिन्हें जो भी गाड़ियाँ पसंद आ रही हैं, और फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। एक्साइटमेंट है भाई, अरे भाई हैप्पी। वो देखो भाई, मैं फ़ोटो ही नहीं खींची। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कुछ ऐसा सा दिखने वाला है। ओह नाइस, इस मेटल ब्रो भाई। हेलो भैया, इलेक्ट्रिक है तो इसमें ये क्यों दे रखा सर? इसके अंदर हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है। अच्छा, इसको मेटल यूज़ किया है, क्या गाड़ी को एक्सीडेंट हो तो डैमेज हो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट। तो इसमें अलग से स्पीकर भी है, जैसे कभी कॉल एग्जॉस्ट के साउंड वगैरह सुन रहे हो? आर्टिफिशियल साउंड रहता, आप अलग से ऑप्शनल दिया गया है। अच्छा अच्छा, लगाना चाहो ठीक है। तो भाई इसके अंदर आर्टिफिशियल मतलब जो भी है, एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है ऐसा होने वाला। और इसका बैटरी बैकअप कितना है? इसका बैटरी बैकअप एक बार चार्ज करने पे 120 से 130 का माइलेज देगा। ओके ओके, तो एक बार की चार्ज पे लगभग 100 से 150 की ये क्लेम कर रहे हैं कि इतनी ये गाड़ी चली जाएगी। तो देखते हैं भाई, क्लेम तो सभी करते हैं एक बार के चार्ज में, फुल चार्ज में 120 किलोमीटर। तो तुझे क्या लग रहा है भाई? तुझे लग रहा है देगी ये? ओला वालों को भी देख लिया मैंने तो। और ये देखो भाई, ये है अपना ग्रोसरीज वगैरह डिलीवर करने वालों के लिए, अच्छी है, माइलेज वगैरह सही देती है, बट ठीक है, ऐसा लुक है इसका पूरा। ओ भाई, चाबी पे ध्यान दो भाई, चाबी, वेरी गुड ब्रो। जैसा ये पूरा गाड़ी का सिस्टम, और ये एक्सपेंड होती है क्या? नहीं नहीं ठीक है। यहाँ पे कुछ स्कूटियाँ तो यार हमने बहुत देख ली, बहुत ही ज़्यादा देख ली। जैसे ये वाली देखो कितनी सेंटी लग रही है, और इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है। नाइस, गुड, नाइस नाइस नाइस, सारी चीज़ें दी गई हैं।
बट वही है यार, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ ठीक है अगर आप लोकल में घूम रहे हो तो। मान लो अगर आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, लॉन्ग टूर इन द सेंस कि रात वात में मत लेके जाना भाई, कभी भी धोखा दे देती हैं गाड़ियाँ। हम रात में घूमने वाले बंदे, हमें मालूम है कैसे कैसा सीन होता है। तो ये कुछ अच्छी सी चीज़ दिखी, ये के लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कि एसेसरीज वगैरह देते हैं। ओ भाई नाइस टील लाइट्स, वो स्कूटियों की भी लाइटें वगैरह वहाँ पे हैंगी। ओके तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कुछ तगड़ी धड़कती भड़कती बाइक, बट एग्जॉस्ट इसमें भी नहीं है। एग्जॉस्ट मिलेगा ही नहीं है, अरे नहीं बट आवाज़ के लिए तो अलग से लगा देते हैं ना। बताओ इतनी मतलब लुक वाइज तो सही है यार, ऐसी होने वाली है भाई ये बाइक। बट इसके अंदर साउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो समझ लो स्कूटी के ऊपर तुमने एसेसरीज लगवा ली, वैसे चला रहे हो, गलत मत मानना बट ऐसा ही है कुछ। और यहाँ पे ऐसी फिर से स्कूटी, यहाँ पे फिर स्कूटी, वहाँ पे फिर से एक और स्कूटी, और यहाँ पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करा रहे हैं लगे हाथ। और अब दिखाता हूँ आपको फ्यूचर, फ्यूचर मेरा फ्यूचर तो ये रहा। तो जिसे लगता है साइकिल चलाना मुश्किल है तो वो ये वाली साइकिलें ले सकता है। देखो तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हैं जिसके अंदर बैटरियां लगी हुई हैं। देखो जैसे इसके अंदर यहाँ पे पूरी बैटरियां लगी हुई हैं, इस तरफ भी इसके अंदर बैटरियां हैं, बैटरी के ऑपरेटेड है, मतलब आप वैसे पैडल मार के भी चला सकते हो और बैटरी से भी चला सकते हो। तो ये जहाँ तक का बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि अगर आप रस्ते में हो बाई चांस बैटरी लो भी हो गई तो आप पैडल मार के घर से जा सकते हो। बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और चार्ज खत्म हो गई। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है भाई, थोड़ा हेल्थ वेल्थ भी तो बनेगी। और देखो ऐसी भी कुछ फोटोज हैं। ओ भाई एक और कॉपी, कॉपी कैट भाई। यहाँ तो सबसे ज़्यादा मुझे यही दिख रही है कि स्कूटियाँ ही हैं इस दुनिया में और कुछ नहीं। ये भी ठीक है, ठीक है ठीक है। और ये कुछ गाड़ी हमें देखने को मिलने वाली है कुछ तड़कती भड़कती, ये RX 100 की तरह नहीं लग रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन उस पर थोड़े कपड़े पहना दिए ऐसा लग रहा। भाई हम बेइज्जती कर रहे हैं, भाई स्कूटियों की बेइज्जती कर रहा हूँ क्योंकि मैं रात में घूमता हूँ, मैंने बहुतों के पैर लगाया है गाड़ियों पे रात में। वो कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक, ज़्यादातर 90% गाड़ियाँ जो होती है इलेक्ट्रिक होती हैं, और जो मतलब नॉर्मल गाड़ी होती है उनकी या तो चैन टूट गई होती है या क्लच वायर टूट गई होती है, ऐसा सीन रहता है। बट देखो मेरा मानना ये है अभी ठीक है, अच्छी बात है आप पॉल्यूशन नहीं करें, बट अभी ईवी पे भरोसा नहीं कर सकते भाई। तुम दिल्ली जैसी जगह में रहते हो और यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट मतलब कुछ पेट्रोल पंप हैं जहाँ पे सर्विस मिलती है कि गाड़ी आप चार्ज कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, लेकिन रात में वो चीज़ें भी बंद हो जाती है। तो इसका ध्यान रख के आप लेना अगर आप अपने लोकल में ही घूमना चाहते हो, मतलब मार्केट जाना है और आना है, मतलब पैदल नहीं जाना चाहते हो, तब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, बट उससे पहले तो बिल्कुल मत लेना। बाकी अब दिखाता हूँ तुम्हें और भी गाड़ियाँ। देखो यहाँ पे फिर से हमें स्कूटियाँ, फिर से स्कूटियाँ बैटरी। ओहो तो भाई टेस्ट राइड भी मिल रही है क्या? ये गाड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। ओह नहीं हाँ अबे नहीं नहीं, एक वो आती है ना हाईसुंग की बैनली, पता नहीं कौन सी, कुछ कुछ उसकी तरह लग रही है। बैठ के देख ले इस गाड़ी के, लिख के दे रहा हूँ कम से कम नहीं तुम 2 लाख रुपए देने वाले हो जिंदा जिंदा। तो ये चीजें ले रहे हो तो ध्यान रखना इन गाड़ियों का, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि उन्होंने मना कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये देखो ओ ये हीरो एक्सट्रीम लग रही है पूरी पूरी, एक्स प्रो पैशन प्रो की कॉपी। और ये रही भाई देखो यहाँ पे इस पूरे कंसोल के अंदर मतलब वो नहीं है, इंजन नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी बैटरी का सेट लगा हुआ है। पीछे डिस्प्ले दे रखी है, आगे भी डिस्क ब्रेक दे रखी है, और ऐसा है वो ये तो एक्सट्रीम ही लग रही है पूरी पूरी। ओके तो ऐसा है मतलब यहाँ फोकस नहीं, यहाँ पे ये बाइक है अपनी, ये कम से कम नहीं कितने की, 2 तक की तो होगी, एटलीस्ट 2 तक की होगी। बट कहीं पे भी अगर बंद हो गए ना भाई साहब, कहीं पे भी कोई चांस नहीं है, आपको टो करानी पड़ेगी कोई है तो। ये तो है नहीं कि तेल डलवाले, हाइब्रिड है, हाइब्रिड भी नहीं है भाई, प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो इनका फ्यूचर नहीं है। अब गाड़ियाँ चार्ज कैसे होती हैं मैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ये आपने बहुत जो सारे पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा कुछ इस टाइप का, देखो इसे आप निकाल के अपनी गाड़ी के आगे या पीछे जहाँ पे भी मतलब पॉइंट दे रखा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, और ये आपको बता देगा कितनी देर में गाड़ी चार्ज होने वाली है, कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। ये वो है जो आप अपने घर वगैरह पे लगा सकते हैं इजीली, और ये आपको पेट्रोल पंप पे देखने को मिल जाएगी। तो ईवी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे पेट्रोल पंप पे लग रहे हैं, बट उम्मीद है जल्दी से सारा कवर हो जाए। यहाँ सबसे ज़्यादा देखो ये है भाई इसकी चेसिस, देख लो
देखो बिना विदाउट बॉडी, और वो रहा इसका अलॉय सीट, मतलब पूरा डिसेंबल कर रखा है गाड़ी को, देख लो ये गाड़ी और ये गाड़ी ऐसी है। ये कपड़ों का थी, बिना कपड़ों के? हाँ ये बिना कपड़ों के, मतलब ये नहा के जस्ट निकली है कंपनी से, और ये पूरी सेट है बाल वाल सेट करके। और इसका हैंडल को चौकवर से नहीं लग रहा एकदम सीधा भैया, थोड़ी तो अच्छी, क्या नाम है, गोगो गोगो। ओके सो इसमें की है ना। ओके ऐसा ऐसा कुछ सीन है इसके अंदर, बढ़िया है, नाइस। तो भाई ये बहुत ही एक्सट्रीम छोटी है यार, ये तो वही है विकास कि बच्चों को दे दो स्कूल आना जाना कर लेंगे इससे, है ना। तो अभी तुम्हें दिखाते हैं यमहा की एक्स, क्या था, यमहा आरएक्स 100 की एक पूरी डिट्टो कंप्लीट कॉपी, जिसका हेडलाइट भी नहीं है ब्रो। यहाँ पे दी गई है एलईडी लाइटें, लेकिन एक चीज़ है, इसका बैकअप बहुत अच्छा होगा, पता क्यों, क्योंकि इसका बैटरी कंसोल ही बहुत तगड़ा लग रहा है देखने में। डिजाइनर माल फूक के बैठ क्या कह रहा हूँ यार, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो सी डी 100 है पहली वाली स्प्लेंडर, तो भाई ये भी इलेक्ट्रिक आ गई क्या, तक कार भाई, हमें जिस तरह से देखने की आदत है, यहाँ आपको इंजन ही नहीं मिल रहा, तो कुछ कुछ खाली खाली सी लगेगी देखने में, बाकी मीटर वगैरह तो वैसे ही है, सेम सब चीज़ सेम है। अच्छा ये कंपनी वाली है ही नहीं, इन्होंने अलग से बनाया है। कुछ तड़कती भड़कती गाड़ियों पे, ओहो पूछिए एक बार प्राइस पूछियो सर, मतलब कितने तक के अंदर आएगी, बहुत बात करियो कोई है क्या भाई। देखो ये गाड़ियाँ हैं लेकिन ये बहुत हल्की हैं, मतलब तो देखो अभी ये गाड़ी है, अब मान लो इसे तुम 100 प्लस ही चलाओगे, है ना, ऐसी गाड़ी है, स्पोर्ट गाड़ी है यार, इतनी हल्की गाड़ी है, आप इसके अंदर डिस्क ब्रेक दे रहे हो प्लस आगे पीछे, भाई कोई सेंस ही नहीं यार डिस्क ब्रेक देने का, इतनी तेज़ भगाने के बाद तुम, मतलब गाड़ी के अंदर होना चाहिए वेट, जहाँ तुमने डिस्क ब्रेक लगाई ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, बैलेंस करने के लिए गाड़ी के अंदर होनी चाहिए पावर, ठीक है, पावर के साथ वेट, विदाउट वेट में क्या कर लो, अगर सिंगल बंदा बैठा है ना तो ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी स्पीड नहीं हो सकती, मतलब स्पीड तो जरूरी होगी, मैं ये कह रहा हूँ भाई, नहीं कोई जरूरत नहीं। ये देखो फिर स्कूटियाँ ले देखो, इसके अंदर डिस्क ब्रेक की क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है मुझे बताओ एक बारी, ये कितनी भगेगी, 60-70, और इसके अंदर इन्होंने डिस्क ब्रेक दे, भाई ये मतलब अट्रैक्ट मत करो ये तो झूठा वादा ही कर दिया तुमने, ये देखो बस ये, हाँ लुक है, लेकिन इन गाड़ियों की जो पेंट क्वालिटी होती है वो भी बहुत लो एवरेज होती है। देखो भाई जीलियो क्या नाम है इनका, फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, ओके ब्रो फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, बट यार गाड़ियों पे तो ध्यान दे लो, देखो ओह विकास दिख रहा है क्या लोगो तेरे को तो भाई देखो BMW का लोगो दे रखा है, यहाँ बढ़िया, मतलब फुल टू फुल कॉपी है वो, ये G310 RR लग रही है, हाँ भाई सेम टू सेम भाई है, मॉडल के साइन वगैरह दे रखे, और ऊपर दे रखा है ये, जब इसके अंदर तेल नहीं डलेगा तो ये तो मुद्दा ही बन गया एक, फिर से स्कूटी भाई, मत मत परेशान करो यार, मेरा ये रहा हिस्सा अपना तो यही है, ग्रेजुएशन के बाद तो यही लेना है। ओके तो भाई हम चलाएंगे म्यूरी, ओ भाई बड़ी कंफर्टेबल है, तो मतलब जैसी आप नॉर्मल ई रिक्शा देखते हो वैसी नहीं है, ये थोड़ी अलग है, नाइस। यहाँ पे अभी शायद सीट वगैरह लगेंगी, पकड़ने का ही बैठा, गुड ब्रो। ओके नाइस, स्कूल के हिसाब से मस्त है, है ना, हाँ इसको सीट ऐसे ऐसे करना स्कूल पे, इसके बच्चे बनाएंगे अच्छे, ये यार तो भाई मस्त है, कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ यार इसकी तो आदत पड़ गई है, तो ये ऑकवर्ड नहीं लगेगी जैसे बाइकें लग रही हैं इनकी, ओ मेरे को लगा स्लाइडिंग गेट, नहीं नहीं बिल्कुल स्लाइडिंग है, ओ स्लाइडिंग गेट है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। सो इसके अंदर आप मतलब अपने गुड्स वगैरह सामान वगैरह के लिए, वो इसका तुम्हें डिसमेंटल दिखाता हूँ, तो देखो ये ऐसा है, यहाँ पे इसका बैटरी पैक लग रहा, और ये पीछे मोटर अपनी, ये पूरा कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ बैठने वाला बंदा, यार बड़ी खाली खाली सी लग रही गाड़ी, और भाई ये रही अपनी गाड़ी, ठीक है यही है क्या मेरा फ्यूचर, ओके थैंक यू ब्रो, लाइट नहीं है ब्रो, तो ऐसा है भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब अपने
अपने सुकने बिहार में चल जाए तो इसमें तो पूरे गांव बैठा देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने गांव अपने सोने बिहार चल जाए, पूरे 20 बंदे बैठेंगे इसके अंदर। देखो ड्राइविंग इनटू द फ्यूचर, ओके। ये ई रिक्शा नाइस यार, मतलब गुड, बहुत बड़ी है, स्पेस की बात कर ले यार, बहुत तगड़ा स्पेस है। अरे ये पता ही ना, इन्होंने बनाई है, खुद बनाई है, कंपनी की नहीं, लॉन्च वॉन्च नहीं होने वाली है। देखो इन्होंने यहाँ का कंसोल हटा के यहाँ पे वेल्ड करके, यहाँ पे देखो हॉर्न वगैरह देख लो यार, आपको डस्टिंग वगैरह देखो, पेंट स्प्रे कर रखा है इनमें पूरा, तो इतनी चीज़ें तो देख के पता चल जाती हैं। देखो ये देखो ये उसकी तरह नहीं लगी वेस्पा, ये कुछ कुछ वेस्पा की कॉपी, ये तो पूरी एंटॉर्क जैसी है, बस थोड़ी हेडलाइट के पास थोड़ा और अच्छे से काम करना था। गाड़ियाँ बहुत सारी, सबसे ज़्यादा स्कूटियाँ हमें इस चीज़ देखने को मिली हैं जो कि वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से। बाइकें मिली, बाइकें तो अब क्या ही बताएं, तुम्हें 6-6, 5-5 लाख की इलेक्ट्रिक बाइकें दे रहे हैं, वो भी इतनी कम वेट वाली। ठीक है भाई, गाड़ी को माइलेज आप मतलब अपना रेंज बढ़ाना चाहते हो कम वेट देके, बट गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए इन लोगों का जो भी गाड़ी बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे सारे लोग टेस्ट राइड दे रहे हैं, तुझे मालूम है कि अगर ये 100 की स्पीड पे चला रहे हैं तो गाड़ी इतनी हल्के डिस्प्ले काम नहीं करेंगे, आपको ड्रम ब्रेक ही देना है। डिस ब्रेक देके अपनी तरफ अट्रैक्ट मत करो इन लोगों को भाई, ठीक है। और बाकी रेंज वगैरह का तो सीन पता ही है, बैटरियाँ कितनी दिखाती है और कितनी देती हैं। तो ठीक है भाई, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कैसे लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। और भाई विकास मेरा कैमरा मैन भी देख लो एक बार, घुमा कैमरा घुमा अपनी तरफ। तो दोस्तों हम दोनों आए हुए एक्सप्लोर कर लिए हमने, बाकी जाते हैं, अगर कुछ देखना हो तो बता देना।